जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। तो क्या आप बिहार से हैं? बिहार के उस जिले से हैं जहां पर नौकरी का अपडेट आ रहा है, बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं। जी हां, हम बिहार के मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण के अनुसार जो नियुक्ति की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चाएं हो रही है उनकी हम अपडेट लेकर आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद अनाउंसमेंट किया है कि 5 लाख नौकरी देने का हम वादा करते हैं। बिहार में अभी 2,11,000 की पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। ये सीधी भर्ती बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार कांस्टेबल जैसे अन्य कई एक विभाग है जहां पर ऐसी वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं। लेकिन बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से धमाल करने जा रहा है। बिहार बीपीएससी तैयारी 4 में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी के अपडेट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों पर और आपको बताएंगे कि कितने कितने पदों की बहाली की प्रक्रिया बिहार में आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक नजर बिहार को छोड़कर पूरे देश भर पे डालते हैं कि देश भर में शिक्षकों की हालत क्या है और उन राज्यों में कितने पदों की रिक्तियां अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो खबरों की माने तो यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में यहाँ पर स्कूल में शिक्षकों के लिए करीब 8 लाख पदों की रिक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे और अन्य राज्यों की श्रृंखला यहाँ पर दी गई है, जहां पर हम आपको बता दें कि स्कूल में शिक्षकों की संख्या में सुधार लाने को लेकर पूरे देश भर में ये प्राइमरी स्तर पर जो है वैकेंसी के अपडेट दिए गए हैं, जहां पर खुद बिहार में 1,92,000 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं। किसके लिए? तो प्राइमरी में। प्राइमरी कहने का यहाँ पर मतलब है कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में यहाँ पर वैकेंसी के अपडेट अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,42,000 प्राइमरी में और मध्य प्रदेश में बात करें तो 52,000, झारखंड में बात करें तो 75,000 की एक बड़ी वैकेंसी का इंतजार छात्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 38,000 की वैकेंसी है। वहीं पे सेकेंडरी स्तर पे अब जो यहाँ पर सेकेंडरी स्तर की बात की गई है तो 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं की हम बात करेंगे तो कि हायर सेकेंडरी भी यहाँ सेकेंडरी के अंतर्गत आता है, तो बिहार में लगभग 32,000 पद अभी रिक्त हैं जो कि अधिसूचनाएं मिल पाई हैं। उत्तर प्रदेश में 7,000, मध्य प्रदेश में 15,000, झारखंड में 5,000 के पदों की संख्या का यहां पर विवरण दिया गया है। अब ये जो है देखिए खबर जो है आप लोगों का निकाला गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। देश भर में स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के तहत यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों की तैयारी करी जा रही है और मंत्रालय ने राज्य के शिक्षकों के खाली पदों का जल्द भरने के लिए भी कहा है। तो खैर बिहार तो उसमें अग्रसर है, अभी बिहार में बहाली चल रही है और बीपीएससी टीआरई 4 का छात्र इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 से आने से पहले आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिएगा, जहां पे आप लोगों के एसटीईटी का रिजल्ट आना बाकी है उसका इंतजार छात्र कर रहे हैं। सीटेट वाले छात्र जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए आवेदन करते हैं, वो नए छात्र भी अग्रसर होंगे कि हमारी परीक्षाएं हो जाए और हम भी इसके लिए आवेदन करने के योग्य हो जाए। तो खैर वो बातें मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन स्कूलों की संख्या में सुधार हुआ है पूरे देश भर में। अगर देखिएगा तो अभी भी 8 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया रिक्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहाँ पे प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या करीब 7 लाख है अभी फिलहाल और पूरा कंप्लीट देखिएगा तो ये पद यहाँ पे लगभग प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के 8 लाख पदों का यहाँ पर ब्यौरा दिया जा रहा है। तो ये तो एक न्यूज हो गया देश भर का। लेकिन आइए हम अपने बिहार की बात करते हैं जहां पर इन विभागों में आप लोगों की नई नियुक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में, जहां पर 1,38,833 यह मान के चलिए कि 1,40,000 की जो है वैकेंसी का अपडेट बिहार में शिक्षा विभाग देने जा रही है। तो क्या यह बीपीएससी टीआरई 4 में इतना अकेले वैकेंसी आएगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 की प्रक्रियाधीन है, अभी भी छात्र उसका इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। तो 15 नवंबर से लेकर यहाँ पर जो है 20 नवंबर के बीच में आने की संभावनाएं व्यक्त की गई है आपके रिजल्ट को लेकर। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद इनमें से कुछ पदों की संख्या को निकाला जाएगा। लगभग अभी तक जो सूचनाएं हमें मिल पाई हैं उसमें बताया गया है कि 60,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी का अपडेट टीआरई 4 में दिया जा सकता है। लेकिन ये 60,000 के अलावा यहाँ पे कुछ पोस्ट और जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में रिक्त पदों की संख्याओं को यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा देने के बाद नियोजित शिक्षकों ने जो सीट वैकेंट किया है उन सीटों को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा।
तो उन सीटों के अलावा बैकलॉग सीटों को भी जोड़ा जाएगा। तो मान के चलिएगा कि एक बार फिर से बिहार में 60 से लेकर 80,000 तक की वैकेंसी का अपडेट आने की संभावना है इन 140,000 में, क्योंकि TRE-5 भी होना अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गृह विभाग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अवेटेड वैकेंसी यहाँ के छात्रों का होता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर बिहार में एक तरफ शिक्षक बनने की होड़ चल रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ दरोगा सिपाही बनने का भी यहाँ पर होड़ चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अभी 21,391 पद की बहाली की प्रक्रिया दिन है, जहां पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसके रिजल्ट का छात्र इंतजार कर रहे हैं। अगस्त महीने में इसकी परीक्षा हुई थी, सितंबर बीत गया, अब अक्टूबर भी बीतने जा रहा है, लेकिन दिवाली से पहले रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं गृह विभाग के सिपाही भर्ती को लेकर। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिक्तियां अभी कितनी है, 22,730। अब 22,730 रिक्तियों के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो यहां पढ़िएगा, यहां पे देखिएगा, तो ये देखिए यहां पर 21,391 पद जो है सिपाही के लिए खाली है। वहीं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि दरोगा की बहाली के लिए बात करें तो 1,339 पोस्ट अभी खाली है यहाँ पे। लेकिन चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार जो है वैकेंसी 2,000 के आसपास यानी कि लगभग 1,840 पोस्ट का वैकेंसी का अपडेट दरोगा के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों सिपाही का, तो 21,391 पद खाली होने के बाद, मतलब यह लेने के बाद जो है लगभग 22,000 सीट यहां पर और हैं जो कि सिपाही भर्ती के लिए अपडेट किए जाएंगे। लेकिन कब होगा, तो इनकी जब ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट होगी, तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो इसमें थोड़ा विचार और विलंब हो सकता है। लेकिन ये जब इसका फिजिकल हो जाएगा ना, तो उसके बाद तुरंत, चूंकि विधानसभा चुनाव को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, तो उसकी वैकेंसी भी निकाल दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो मैंने आज सुबह एक वीडियो अपडेट किया है जहां पर 3596 पदों की अभियंताओं की नियुक्ति बाकी है, यानी कि ये जो है भर्ती की प्रोसेस चल रही है कुछ इसमें से, और कुछ अपकमिंग वैकेंसीज के अपडेट भी दिए गए हैं जिसके बारे में हमने आपको सुबह भी एक वीडियो बना के अपडेट किया है। चलिए इसके अलावा हम विभागों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो 1,38,000 के पोस्ट यहाँ पे हैं। वहीं पे कर्मचारी चयन आयोग में बात करें तो 18,770 पद अभी रिक्त हैं। अब ये 18,770 पद जो रिक्त हैं, इसमें से तो आपको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, याद होगा आपको कि 13,000 की लगभग वैकेंसी जो है SSC इंटर लेवल का निकाला गया है, जिसके अभी एग्जाम भी नहीं हुए हैं, ना ही एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है। इसके अलावा SSC CGL 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, और इसमें एक ग्रुप डी का भी वैकेंसी दिया जाना है, जो कि लगभग 10,000 पदों की वैकेंसी ये हो सकती है दोस्तों। तो ये है। और वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC का, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का, यहाँ भी 27,000 की वैकेंसी की अधियाचना बिहार सरकार ने दी है यहाँ पर GAD को। विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए विश्वविद्यालयों में जो आपका राज्य विश्वविद्यालय आयोग है, अब ये एक नया आयोग यहाँ पर बनाया गया कि विश्वविद्यालयों में वैकेंसी का अपडेट भी मिलना चाहिए, तो इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दें कि कॉलेजों में भी यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, जहां पर 4,261 पोस्ट तो यहाँ पे दिया गया है, पदों को भरे जाने की जिम्मेवारी जो है राज्य विश्वविद्यालय के आयोग को दिया गया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये 4,281 पोस्ट यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। पुलिस सेवा आयोग में मैंने जैसा कि बताया कि अवर सेवा आयोग की बात हो रही है, दरोगा की बात हो रही है, तो 1,339 पोस्ट की जानकारी दी गई है। CSBC अभी प्रोसेस में है यहाँ पर, और कुल पद यहाँ पे देखिएगा तो 2,11,783 पद जो है यहाँ पर अपडेटेड है कि इनकी अधिसूचनाएं मिली हुई हैं। फिलहाल उन विभागों की बात भी कर लेते हैं जहां पर दरोगा के लिए, सिपाही के लिए, और स्वास्थ्य विभाग में करीब 12,169 पोस्ट, पंचायती राज में अभी 4,070 पोस्ट प्रक्रियाधीन है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। वहीं पे भू राजस्व विभाग की बात कर ले तो 3,769 पोस्ट अभी रिक्तियां हैं यहाँ पे। जल संसाधन विभाग की बात कर ले तो 4,939 पोस्ट हैं। लघु जल संसाधन विभाग की बात करें तो 1,002 पोस्ट हैं। वहीं ग्रामीण कार्यों के लिए बात करें तो 1,843 पोस्ट रिक्त हैं, और नगर विकास की बात करें तो 2,759, जो कि हमने आपको सुबह का अपडेट दिया है। कृषि विभाग में ये प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, जहां पर 1,441 में से 1,000 पोस्ट का वैकेंसी का अपडेट चल रहा है BPSC के द्वारा। कैबिनेट विभाग में करीब 1,313 पोस्ट खाली है, जहां पर क्लर्क का, UDC का, LDC का पोस्ट यहां पर दिया जाएगा। कला संस्कृति में 50 पोस्ट हैं। वही भवन निर्माण की चर्चाएं हो रही है बिहार में, तो 1,525 पोस्ट यहाँ पे खाली है, जहां पर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट हो सकती है।
पीएचईडी में भी इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है तो 1351 पोस्ट यहाँ खाली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में बात करें तो 770 पोस्ट, इसकी भी मैंने अपडेट आपको दिए हुए हैं। परिवहन विभाग में 106 यानी कि जो यातायात विभाग के लिए यह वैकेंसी है। खान भूतत्व विभाग में 58 पोस्ट खाली है। वहीं पे पथ निर्माण में 1219, योजना विकास में 3417, पर्यावरण और वन विभाग में 111 पोस्ट। अब बता दें आपको कि पर्यावरण विभाग के बारे में हमने कल भी एक वीडियो बनाया था, ये पोस्ट जो है आपका दिया गया था किसके लिए 111 पोस्ट, तो फॉरेस्टर के लिए। वही फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी यहाँ पर 1103 पदों की अभी और खाली है। मद निषेध में बात करें तो सिपाही और दरोगा को मिला के 522 पोस्ट खाली है। सहकारिता के लिए 140 पोस्ट, गन्ना उद्योग में 256, वाणिज्य में 195 और खाद्य उपभोक्ता में 172 और वित्त विभाग में 165 सीट अभी भी लगभग रिक्त है। ये देखिए ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं ना, ये सभी के सभी आपके लगभग सीटों की संख्या जो कि अपडेट की गई है। इन्हीं के बारे में यहाँ पर सूचनाएं सभी दी गई हैं। ये जो है इतने इतने पोस्ट जो है इन विभागों में रिक्त पड़े हुए, आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ टेलीग्राम पे जुड़िए। 280,000 में से 211,000 की अधिसूचनाएं जो है अधिसूचनाएं बिहार सरकार देने जा रही है और ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको ये सारी चीजें अपडेट कर दिया जाएगा। तो चुनाव से पहले यानी कि कब तक नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, आपको मैं बता दूं कि लगभग मार्च तक सबके नोटिफिकेशन आएंगे, एक एक करके हर एक बहाली का अपडेट लिया जाएगा। बहाली की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएंगी, एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस होगा तो प्रीलिम्स भी ले लिया जाएगा और उसके बाद खेल शुरू होगा 5 साल वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, सरकार कहीं उस पेच में आपको फंसा कर यहाँ वोट ना ले रही हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो खैर ये बहाली की प्रक्रियाएं थी जहां पर इन 5 लाख पदों के बारे में चर्चा करनी थी, ये बहाली के बारे में हमने आपको अपडेट दिया है। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारा keyeducation.in का वेबसाइट विजिट करते रहिए, वहां पे लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में जानकारी भी लगातार आपको दी जा रही है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जहां पे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद।